जल्दी से डाउनलोड करूँ फोरपन आप्लिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे बहुत तुरंत पात पेटीएम कैश 50 टाँग जल्दी करूँ। सामना को आसी एक अभावनीय घटना माटी तलु नाबालिकार शब बाहर कर दुष्कर्म उद्यम करुथिला एही अभियुक्त केते कुश्चित कदाकार केते निर्मम एही मनीष माने तो फ्रेंड आसंतु एही खबर संपूर्ण तथ्यटी देखिबा वीडियो माध्यम रे। हेलो फ्रेंड नमस्कार मोर ने आपण माने देखुछंती एसएलटी वीडियो। फ्रेंड आसंतु नजर पकेबा आज रही खबर उपरे मृत नाबालिकार शव सहित दुष्कर्म उद्यम अभियोग रे जने 50 वर्ष बयसर व्यक्ति को गिरफ्त करिछि आसाम पुलिस। आसामर धेमाजी जिला शिलापथर पुलिस स्टेशन अधीन अंचल घटी एभली एक अभावनीय घटना किछि दिन तले कौनसी कारणरु जने 14 वर्षर नाबालिकांकर मृत्यु होइथिला। झियर शवकु सिमेन नदी कूळरे पोती देइथिले परिवार लोक। रिपोर्ट अनुसार मे 17 तारीख राति नाबालिकांकर मृत्यु होइथिला। एहा परे तांकु देम गांवर सिमेन नदी कूळरे समाधि देइथिले परिवार लोक माने। तापरे दिन अपराह्न जड़े व्यक्ति को यही नाबालिकार शव सहित दुष्कर्म करिबार उद्यम करुवा देखा पाई कि मत्स्यजीवी यहाँ तुरंत से अभियुक्त को धरी पुलिस जिमा देते अभियुक्त ना अकन साइकिया बोली जना पड़ा। से दुष्कर्म करने उद्देश्य नाबालिकार शव को खोली बाहर करते पुलिस पाखे स्वीकार कर घटना पर शिलापथर पुलिस पोस्को आक्टर सेक्शन 8 अधीन आईपीपी धारा 306 और 377 धारा अभियुक्त को गिरफ्त करी। एने जिला एसपी धनंजय घणुआत सूचना देते धीमाजी डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर प्रदीप कंवर सूचना अनुसार सिकिया निकट में जेल रु मुकुली करोना भाइरस कोर्ट का निर्देश क्रमे सिकिया को जेल रु मुकुलाई दिया जाइथिला। तो फ्रेंड आपण मन मतामत कौन एभली व्यक्ति को किभली दंड देवा आवश्यक वर्तमान सारा विश्व में कोरोना पाई हाहाकार मातिछि किंतु एही व्यक्ति माने निजरो को